विनय बिहारी का हाल ही में एक इंटरव्यू मीडिया पे बहुत तेज वायरल हो रहा है। जी हाँ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो पवन सिंह के बाप हैं। अब भाई, बाप वो किस मामले में है वो तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इस इंटरव्यू में विनय बिहारी ने क्या कहा। इस इंटरव्यू में विनय बिहारी ने तो पहले अक्षरा सिंह को लताड़ा। उन्होंने कहा कि जब पवन सिंह उनके साथ कुछ गलत कर रहे थे तो वो उनका साथ उसी वक्त छोड़ देती और मीडिया में आके सारी बातें कहती, फिर वो उस वक्त क्यों चुप रही। जब रिलेशन में थी तब तो ठीक था, अच्छा था, सारी अच्छाई दिखाई दी पवन सिंह की। आज रिलेशन में से हट गई तो 100 बुराइयां दिख रही हैं, तो ठीक था। ये था अक्षरा के लिए उनका कहना। और उनका ये भी कहना था कि जब पवन सिंह अक्षरा सिंह को भुला चुके हैं तो अक्षरा सिंह को भी पवन सिंह को भूलकर अपने कामों पे ध्यान देना चाहिए, न कि बेतुकी बातों पर। और अब उन्होंने पवन सिंह को क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने पवन सिंह को ये कहा कि भाई, पवन सिंह कोई अच्छे इंसान तो है नहीं, जितने बेहतर वो कलाकार हैं उतने अच्छे अगर वो इंसान हो जाए तो उन्हें भी पद्मश्री और पद्म विभूषण मिल जाए, जो कि इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता। और कुछ न कुछ बात तो रही होगी तभी इतना धुआं उठा है। ऐसे ही अक्षरा सिंह उठकर उन पर तोहमत तो नहीं लगाने लगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनका बाप हूँ और मैं पवन सिंह को अच्छे से जानता हूँ। लास्ट में इंटरव्यू खत्म करते करते उन्होंने ये कहा कि इन दोनों को आपसी मामले को सुलझा लेना चाहिए, इस तरह से मीडिया में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यहाँ पर एक बात और उन्होंने की, जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि पवन सिंह अक्षरा सिंह का काम रुकवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि इस बात में सच्चाई है। यानी कि इन तरह की जो बातें विनय बिहारी इस विवादों को लेकर कह रहे हैं वो आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं, न कि इस मैटर को दबाने का। वैसे भी दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो तो हमेशा मजा तीसरा ही लेता है। खैर, जो भी है, हम तो यही कहेंगे, पवन अक्षरा अब स्टॉप हो जाइए, अब अपने विवादों को एक पल की भी हवा मत दीजिए, नहीं तो इसका फायदा कोई और उठा रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।